हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे एक इजी एंड क्विक सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तिल वाले आलू गोभी की सब्जी, जो बहुत ही अच्छा एक टिफिन रेसिपी का ऑप्शन भी हो सकता है। और चूंकि इसमें खूब सारा तिल यूज हुआ है, तो ये बहुत ही हेल्दी सब्जी की रेसिपी है। इसे आप स्टीम्ड राइस, पूरी, पराठा, नान, चपाती, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं पैन में सरसों का तेल ऐड करूंगी। तेल ऐड करने के बाद 1 टीस्पून जीरा ऐड करना है, और जीरा ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून सफेद तिल ऐड करूंगी। आज मैं तिल वाले गोभी आलू बना रही हूं, तो इसमें तिल बहुत सारा जाएगा। और तिल ऐड करने के बाद फिर मैं 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर दूंगी। हींग ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है, और थोड़ी देर तड़का को क्रैकल होने देना है। जब तड़का क्रैकल हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पर 3 आलू छील के छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखे हैं। सारे आलू ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर 1/2 केजी गोभी लिए हैं। सारे गोभी को ऐड कर देना है। गोभी ऐड करने के बाद फिर नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। और नमक ऐड करने के बाद फिर मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद फिर मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद 1.5 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है। रेड चिल्ली पाउडर आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा रख सकते हैं। फिर 1 इंच ग्रेटेड जिंजर भी मैंने ऐड कर दिया है। और जिंजर ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करके फिर सब्जी को ढक के गोभी और आलू के 1/2 डन होने तक पका लेना है। बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि सब्जी जले नहीं। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पे गोभी आलू को पकाने के बाद ये देखिए गोभी और आलू 1/2 डन हो गया है। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, और मैंने यहाँ पर 2 टमाटर कट करके लिए हैं, ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद 4 से 5 ग्रीन चिली ऐड करना है, और आप चाहें तो ग्रीन चिली थोड़ा कम ज़्यादा रख सकते हैं। ग्रीन चिली और टमाटर ऐड करने के बाद एक बार सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर ढक के सब्जी को तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाता और आलू गोभी प्रॉपरली कुक नहीं हो जाते। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है, और आलू और गोभी भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। तो सब्जी अब बिल्कुल डन है। लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स ऐड करना है। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं, आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।